17 जुलाई, अभी हमारा उड़ीसा में मॉनसून एक्टिव है। हमारा पिछले 24 घंटा में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी कुछ स्टेशंस में रिपोर्ट हुआ है। हाईएस्ट बारिश था सोनपुर का पिनिका में 165.2 मिलीमीटर, उसके बाद संबलपुर डिस्ट्रिक्ट का धनकोरा में 155.0 मिलीमीटर, जुजुमड़ा संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में 136.0 मिलीमीटर, बोरागढ़ में 128.4 मिलीमीटर, संबलपुर में 127.8 मिलीमीटर। हमारा स्टेट एवरेज रेनफॉल था 22.7 मिलीमीटर, स्वाभाविक होता है 11.8 मिलीमीटर। इसका वजह से अभी हमारा सीजनल रेनफॉल का जो स्थिति आया है, 1 जून से आज हमारा 17 जुलाई तक टोटल रेनफॉल स्टेट में हुआ है 307.8 मिलीमीटर, स्वाभाविक होता है 382.8 मिलीमीटर, 20% कम है। 3 डिस्ट्रिक्ट्स देवगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर में एक्सेस रेनफॉल हुआ है। 12 डिस्ट्रिक्ट में स्वाभाविक है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में डेफिशिएंट है। सबसे ज़्यादा डेफिशिएंट अभी हमारा कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में है। और फोरकास्ट जो है अभी अगला 5 दिन का, अभी मॉनसून हमारा बारिश स्वाभाविक व स्वाभाविक से ज़्यादा ही रहेगा, वेट स्पेल अभी है। नेक्स्ट 24 आवर्स में इंटरविशा डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, पोस्ट अलशिका डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में बारिश होने का पॉसिबिलिटी है हल्का से मध्यम। हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है नवरंगपुर, नवापारा, कालाहांडी, बलांगीर, हैवी रेनफॉल हो सकते हैं एक दो जगह करके, मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़, कंधमाल, गंजाम, बौद्ध, सोनपुर, ओंगोल, होरागढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, देवघर, सुंदरगढ़, ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। फिर 18th-19th में भी हमारा मेनी प्लेसेस में बारिश रहेगा एक दो जगह करके, हैवी रहेगा। 20th में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में बारिश रहेगा, इसमें फिर स्लाइटली बारिश इंक्रीज कर सकते हैं, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी एक दो जगह में हो सकता है। 21st में और भी स्लाइट बारिश इंक्रीज करने का चांसेस है, इसमें मोस्ट ऑफ द प्लेसेस बारिश रहेगा, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का पॉसिबिलिटी है। क्योंकि और भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारा नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर डेवलप हो सकता है। भुवनेश्वर सिटी में जनरली क्लाउडी स्काई रहेगा, एक दो स्पेल्स करके बारिश कुछ कुछ एरिया में होने का चांसेस है। मेनली हल्का से मध्यम बारिश ही भुवनेश्वर सिटी में अगला 2-3 दिन में रहेगा।